इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हे एवरीवन, मैं आप सभी के लिए दिवाली फ्लोर डेकोरेशन कुछ आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। एक बार चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए हो सकता है कि बहुत यूज़फुल रहे। तो आज जितने भी मैं आपको तरीके बता रही हूँ ना, इन सारे तरीकों की सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि आपको रंगोली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको रंगोली नहीं बनाने आती तो भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी कई गुना अच्छा आप डेकोरेशन अपने फ्लोर पर कर सकते हैं। तो अगर आपको रंगोली में ज़ीरो नॉलेज है या बिल्कुल आपसे रंगोली गिरती नहीं है हाथों से, तो ये तरीका दी बेस्ट होता है रंगोली को टक्कर देने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं वो सारे तरीके। तो सबसे पहला तरीका मैं आपको फ्लोर डेकोरेशन के लिए बताऊंगी, और ये देखिए मेरे पास है बहुत सारी एक्रेलिक रंगोली। ये रंगोलियाँ आपको नॉर्मल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। अगर मुझे कुछ अच्छी डिज़ाइंस आप सभी के लिए मिलती है ऑनलाइन, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मेंशन कर दूँगी। अब इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं आता तो भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपको बस इसकी डिज़ाइन के हिसाब से इसे प्लेस कर देना है अपने फ्लोर पर, और जैसे ही ये प्लेस हो जाए, अगर आप चाहते कि ये ज़्यादा हिले ना, तो आप डबल टेप भी इसके नीचे की तरफ लगा सकते हैं, पर ये काफ़ी मतलब हेवी होती है इसलिए नहीं हिलती है प्लेस से। और देखिए मैंने यहाँ पर नाइसली लगा दी है ये एक्रेलिक वाली रंगोली, और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसे फ्लावर से डेकोरेट कर सकती हूँ, कैंडल से, और जैसे भी आप चाहे इन्हें अगल बगल से डेकोरेट कर दीजिए। तरीके अलग अलग आप अपना सकते हैं, आप मिसमैच कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है फ्लोर डेकोरेशन का, और जैसे भी चाहिए आप लगाइए, फ्लावर लगा दीजिए, दियाज लगा लीजिए, रंगोली बना दीजिए, मतलब जैसे भी आप करेंगे ना, ये ब्यूटीफुल ही लगता है। तो ये था मेरा सबसे पहला तरीका। आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ये फ्लोटिंग फ्लावर का ये जो पॉट है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लोटिंग फ्लावर्स फ्लोर पर रख कर उसे डेकोरेट करने से और भी घर में चार चांद लग जाते हैं दिवाली पर। तो यहाँ पर इस पॉट में मैंने कुछ अपने पसंदीदे फूल डाल दिए हैं, सजा दिया है। अब इस पॉट के बगल में आप चाहिए तो ये एक्रेलिक रंगोली जो है इससे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर जो रियल फ्लावर्स होते हैं उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे दिए उसके अगल बगल लगा सकते हैं, जैसे भी आप करें। पर ये तरीका भी फ्लोर डेकोरेशन का बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा करने से आपके घर के कोने कोने में एक अलग ही रौनक भी आ जाती है, और काफ़ी आसान तरीका है। अगर आपके पास इतना सुंदर पॉट नहीं है फ्लोटिंग फ्लावर्स के लिए, तो नॉर्मली जो ग्लास के बड़े बड़े बाउल्स होते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किचन में कुछ अगर सर्च करेंगे ट्रे वगैरह, तो उन सब का भी इस्तेमाल करके आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी फ्लोर डेकोरेशन के लिए, और इसके लिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वाले टी लाइट होल्डर चाहिए, जिस तरह से मेरे पास है। इस तरह से टी लाइट होल्डर को आप लगा कर उसके अगल बगल फ्लावर का डेकोरेशन कर सकते हैं, या एक्रेलिक रंगोली का डेकोरेशन कर सकते हैं, पैटर्न अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि कभी फ्लावर से डेकोरेट कर दिया, कभी एक्रेलिक रंगोली से कर दिया, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बस आप अपने फ्लोर पर निकाल दीजिए। और बिलीव मी, फ्लावर्स जो है, दियास जो है, दिवाली पर अच्छे ही लगते हैं। तो आप इन्हें बस थोड़ा सा इधर उधर करिए, थोड़ा सा मिसमैच करिए, देखिएगा बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रही हूँ कि टी लाइट
से भी आप बहुत ही सुंदरता से अपने फ्लोर पर अलग अलग डेकोरेशन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक अच्छा सा टी लाइट होल्डर चाहिए, कुछ एक्रेलिक रंगोली चाहिए और कुछ फ्रेश फ्लावर्स चाहिए। और अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स में अलग अलग कलर के ऑप्शंस हो, फिर तो भाई आपकी रंगोली दी बेस्ट बनेगी और आपका फ्लोर और भी अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिया वाली रंगोली बताऊंगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने बोला था कि बिना रंगोली के फ्लोर डेकोरेशन दिखा रही हूँ और फिर दिया वाली रंगोली क्या होती है, तो मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको रंगोली की ज़रूरत पड़ेगी पर आपको कुछ भी आपके फ्लोर पर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके के जो दिया मिट्टी के मिलते हैं या फिर आप किसी भी तरीके के दिया ले सकते हैं, और इन दियों में आपको अलग अलग रंग की रंगोली भर देनी है। और रंगोली भरने के बाद बस आपको एक अच्छी सी डिज़ाइन बना देनी है। थोड़ा सा इधर उधर लगा कर देखिए, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन जाती है। बहुत आसान तरीका है और सबसे अच्छी बात पता है, इसमें एक भी रंगोली आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि दिया की ये जो रंगोली है ये आप वापस निकाल कर जहाँ पर थी वहाँ पर रख देंगे और क्या बोलते हैं कि आपके घर में ज़्यादा रंगोली फैलेगी भी नहीं। तो ये जो तरीका है ना, दिया वाली रंगोली आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत आसान है। और बस कुछ दियाज और कुछ रंगोलीज लाइए और देखिए बन जाती है ये दिया वाली रंगोली। तो इस दिवाली दिया वाली रंगोली पक्का ट्राई करिएगा, और अगर आपने ट्राई किया तो मेरे साथ शेयर भी करिएगा। मुझे आप मेल कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पर टैग कर सकते हैं। आज जितने भी मैंने आपको ये तरीके दिखाए हैं फ्लोर डेकोरेशन के, ये बहुत आसान है, इजीली बन जाते हैं, कम से कम मिनटों में बन जाते हैं। अब आपको घंटों घंटों नहीं लगाना पड़ेगा और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस इसमें जो भी कलाकारी है वो फ्लावर्स की है, आपकी सजावट की है। आप इन्हें जितना अच्छे से सजा सकते हैं उतना सजाएं और बस फिर देखिए ये रंगोली से भी बेहतर लगेंगी। तो अगर आपको ये सारे तरीके थोड़े भी अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो देखा आप सभी ने, आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें बड़ी ही अच्छी लगी होंगी। इनमें से सबसे अच्छी डिज़ाइन या आइडिया आपको कौन सी लगी ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी दिवाली गाइस, इस दिवाली पर मुझे छोटा सा दिवाली गिफ्ट दे दीजिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए फिर मिलती हूँ अगले दिवाली के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली इन एडवांस।